हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 4, जो कि नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। फ्रेंड्स, इस टेस्ट क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन आने वाले सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करें सभी क्वेश्चन के राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स पर देते रहे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका अगर इस क्लास में गलत हुआ है तो एग्जाम में आपका नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको याद करने में आसानी होगी। ऐसा लगेगा आपको कि वो क्वेश्चन किसी क्लास में हमारा गलत हुआ था, वही अगर एग्जाम में आएगा तो आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन के राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। वीडियो के लास्ट में आप हमें जरूर बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का। आई पैडिंग इज अप्लाइड ऑन द पेशेंट्स आई टू प्रिवेंट, मरीज की आंख पर गद्दी यानी आई पैडिंग किसी रोकने के लिए लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्नियल अल्सर को रोकने के लिए आई पैडिंग अप्लाई की जाती है, या कार्नियल ड्राइनेस से बचने के लिए आई पैडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई पैडिंग इज मेनली अप्लाइड टू प्रिवेंट कार्नियल ड्राइनेस एंड अल्सर। ठीक है, कार्निया के सूखने से बचाव हेतु और कार्नियल अल्सर के दौरान आई पैडिंग का इस्तेमाल किया जाता है आंखों पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट एड मेजर फॉर अ पर्सन विद केमिकल इन हिज आईज इज, आंख में रसायन जाने वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखें, फिर ठीक है, जिससे उसके बाद ऑप्शन लिखें, जिससे हम अगर इवेल्युएशन करते हैं आपके क्वेश्चनों का तो हमें पता चल पाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वॉश आई थ्रोली विद वाटर। ठीक है, आंखों को पानी से लगातार धुलते रहना है। ठीक है, अच्छे से धुलना है। ओके, आई में केमिकल युक्त पर्सन के फर्स्ट एड मिजर में कम 10 मिनट तक एप्थैल्मिक एरिगेशन सॉल्यूशन अथवा नॉर्मल सेलाइन के द्वारा उसकी आंख या आई का एरिगेशन करना सम्मिलित होता है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द ऑर्गन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंस इज, शरीर के लिए संतुलन के लिए उत्तरदायी अंग है। शरीर के संतुलन के लिए कौन सा अंग रिस्पॉन्सिबल होता है या उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 3 का। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईयर। ईयर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है फ्रेंड्स, वो होता है बॉडी बैलेंसिंग। ठीक है, सुनना सेकेंडरी पार्ट है कान का। ठीक है, लेकिन इसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो बॉडी की बैलेंसिंग होता है। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए ईयर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, बॉडी में शरीर का संतुलन बनाते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन बॉडी बैलेंसिंग है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच पार्ट्स फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर, ध्वनि कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाना किस भाग का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर गेस करें। विच पार्ट्स फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर, ध्वनि कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाना किस भाग का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन का। ठीक है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन का कार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5। सीरम एमिलेज लेवल आर यूज टू एसेस द डैमेज ऑफ
सीरम एमिलेज के स्तर का उपयोग किसके डैमेज को एसेस करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 5 का। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर होगा पैनक्रियाज के डैमेज के एसेस करने के लिए सीरम एमिलेज लेवल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज मैनिफेस्टेड बाय एलिवेटेड, यानी तीव्र अग्न्याशय शोथ के बढ़ने से प्रकट होता है, किसके बढ़ने से प्रकट होता है? क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग राइट आंसर किस करें। फ्रेंड्स इस प्रकार से क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि सर ने क्वेश्चन पढ़ाया नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। सभी क्वेश्चन हम कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है। ठीक है, सीरम एमिलेज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स रिमेन इंक्रीज्ड फॉर 7 to 14 days। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में निम्न में कौन से एंजाइम्स का स्तर 7 से 14 days तक बढ़ा हुआ रहता है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीरम लाइपेज का स्तर 7 से 14 दिन तक एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के दौरान बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट फॉर पैनक्रियाटिक डैमेज इज, पैनक्रियाटिक डैमेज के लिए सबसे अधिक उपयोग में आने वाला टेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग राइट आंसर किस करें क्वेश्चन नंबर 8 का। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीरम एमिलेज लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग इंडिकेट पैनक्रियाटाइटिस, निम्नलिखित में कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग पैनक्रियाटाइटिस को इंडिकेट करती है? क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग राइट आंसर किस करें क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा एलिवेटेड सीरम लाइपेज लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, तीव्र अग्न्याशय शोथ के लिए जांच है। क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 10 का। कौन सी जांच का इस्तेमाल एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के दौरान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंड क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर होगा सीटी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ मदर इज पॉजिटिव विद हेपेटाइटिस बी, देयर मे बी अ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू द बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ। यदि माँ हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव है तो उसके जन्म के समय बेबी में ट्रांसमिशन की रिक्स कितने प्रतिशत तक हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ मदर इज पॉजिटिव विद हेपेटाइटिस बी देयर मे बी अ रिक्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन की रिक्स कितने प्रतिशत तक मां से बच्चे में हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 40 to 50%। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर कोई हमारा नया स्टूडेंट है तो आप लोगों को बता दें कि हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जाकर आप हमें व्हाट्सएप पे हाय लिखें,
जिसके माध्यम से हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ देंगे, तो आने वाले हर एक वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा उस ग्रुप में, जिससे आप जाकर आसानी से सभी क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। कुछ लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी आज से, तो फ्रेंड्स उसके भी लिंक आपको उसी ग्रुप पे मिलते रहेंगे, ठीक है। और जो भी नर्सिंग एग्जामों से रिलेटेड जानकारी आएगी तो हम उसी ग्रुप पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे उस ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8009031 31680, ठीक है, 31680, ये 1 है 680। ओके, हेपेटाइटिस बी के पेरीनेटल ट्रांसफ्यूजन यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी का खतरा अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न होता है। देयर इज 40% रिक्स ऑफ ट्रांसमिशन विच इज मेनली अकर ड्यूरिंग बर्थ, 40% का खतरा बर्थ के समय रहता है कि माँ से बच्चे में हेपेटाइटिस बी का वायरस चला जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है आज की क्लास का, वर्टिकल ट्रांसमिशन इज सीन इन विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, किस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल संचरण देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स ऊपर के क्वेश्चन में हमने अभी बताया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। पासेज ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू द इन्फेंट आइदर इन यूटेरो यानी अगर यूटेरस में चला गया, ड्यूरिंग डिलीवरी डिलीवरी के समय चला गया, या ड्यूरिंग नियोनेटल पीरियड किसी समय, और या वाया ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग के समय अगर चला गया तो उसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा जाएगा, ठीक है। किस प्रकार का ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिक इस प्रकार का ट्रांसमिशन, या बच्चे से माँ में अगर कोई वायरस जाता है तो इस प्रकार का ट्रांसमिशन इन दो बीमारियों में होता है, एड्स में हेपेटाइटिस में, ठीक है। ये मेनली दो में होता है, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, एड्स में होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस विच कॉज्ड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज, एक प्रकार का हेपेटाइटिस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है वह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। ओके, इसका राइट आंसर बी भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर बी भी हो सकता है, बट हेपेटाइटिस सी मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको बता दे रहे यद्यपि बी सी डी तीनों ही ब्लड अथवा ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन से फैलते हैं, लेकिन मुख्यतः हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ही होता है, अतः इसे प्रायः पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहते हैं। तो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस अगर पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर भी हेपेटाइटिस सी ही होगा, ठीक है, सी ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, निम्नलिखित में कौन संक्रामक हेपेटाइटिस है। क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग राइट आंसर गेस करें, संक्रामक है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस ए, ठीक है, ये मोस्ट इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज हेपेटाइटिस बी, कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वायरस, ठीक है, सभी हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस और डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, ठीक है, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑल अदर हेपेटाइटिस वायरस आर आरएनए वायरस, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो डीएनए वायरस है,
क्लियर? ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप हमें बताएं कि 15 में से कितने क्वेश्चंस के आपके राइट आंसर हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप ये टेस्ट पेपर हमारे सॉल्व करते रहें, इसके बाद हमारी लाइव क्लासेस चलेगी। लाइव क्लासेस में हम आपको जो भी क्वेश्चन है, आपके कोई भी डाउट्स नहीं रखेंगे, सभी डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको अगर एग्जाम के लिए जाएं तो कोई क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आपको ना रहे। ठीक है, ऐसे हम आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे। फ्रेंड्स, हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, आपको जितनी भी फ्री ऑफ कास्ट हमारी क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी उस ग्रुप पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।